हेलो बच्चों, एग्जाम गुरु के इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज एफएसटी 27 हुआ था, जिसमें आइए हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन। और स्टार्ट करते हैं 101 से, ठीक है। तो 101 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, वाइटल लिंक डैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या जरूरी है, कौन सा वाइटल लिंक है। तो सबको पता है जो जाइगोट होता है, ये जो होता है वाइटल लिंक होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बताने के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सिनकार्पस। सिनकार्पस कौन सा नहीं है, ठीक है। तो मस्टर्ड, मस्टर्ड जो होता है सिनकार्पस होता है, सबको पता है। टोमेटो भी सिनकार्पस होता है। पिटूनिया सोलेनेसी फैमिली का है, ये भी सिनकार्पस होता है। लोटस ये जो होता है सिनकार्पस नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, लोटस इज नॉट द सिनकार्पस। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डिप्लॉयड। डिप्लॉयड कौन सा नहीं है, मेगा स्पोर। तो जितने भी मेगा स्पोर हो चाहे माइक्रो स्पोर हो, क्या होते हैं, ये हैप्लॉयड होते हैं। तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये हैप्लॉयड है तो डिप्लॉयड होगा नहीं, ठीक। मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल, जितने भी मदर सेल होते हैं क्या होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये आंसर होगा नहीं। न्यूसेलस भी क्या होता है, यानी कि डिप्लॉयड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगा स्पोर। मेगा स्पोर क्या है, हैप्लॉयड, एक गैमेट होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 104 पे, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट, ए दिया है यहां पे, जेनरा इन मोस्टली, बी दिया है, ए और बी क्या है। तो वाटर से जो पॉलिनेशन होता है क्वाइट रेयर होता है कुछ स्पीसीज में, जैसे कि एनसीईआरटी में एक डाटा दिया है 30 जेनरा, और मोस्टली क्या होते हैं, मोनोकाट होते हैं, 30 जेनरा और मोस्टली मोनोकाट, ठीक है। तो ये ए और बी पे क्या हो जाएगा, 30, ए के जगह पे 30 और बी के जगह पे मोनोकाट हो जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 105 पे, हाउ मेनी ईयर्स डिड मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट इन गार्डन पी। मेंडल ने कितने साल तक गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो 7 सालों तक जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी डाटा दिया है और हर जगह ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 ईयर। क्वेश्चन नंबर 106, Which among the following law is universal? Law of dominance universal नहीं होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे exception भी आ जाता है। Law of segregation जो होता है universally accepted law था ये, ठीक है। और law of independent assortment ये भी जो है universal नहीं होता है, इसमें भी कुछ exceptions वगैरह देखते हैं, देखने को मिलते हैं। और incomplete dominance में भी कुछ exceptions cases आते हैं। तो लॉ सेग्रीगेशन ऐसा लॉ था जिसमें किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं देखने को मिला गया, और ये हर जगह फॉलो होता है, इसीलिए इसको कहा गया है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे, कह रहा है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जब क्रॉस कराया गया टाल और ड्वार्फ के बीच में तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो टाल को कैपिटल टी और ड्वार्फ को स्मॉल टी से हम क्रॉस कराते हैं। जब क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में ये वैल्यू आती है कैपिटल टी स्मॉल टी, जो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल टाल होते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन कह रहा है 50% टाल एंड 50% ड्वार्फ प्लांट इन F1 प्रोजेनी, नहीं गलत हो गया, 75% टाल एंड 25% ड्वार्फ प्लांट इन F1 प्रोजेनी, नहीं ये भी गलत हो गया, ठीक। ऑल ड्वार्फ प्लांट्स इन F1 प्रोजेनी, नहीं ड्वार्फ नहीं होंगे, ऑल टाल प्लांट्स इन F1 प्रोजेनी, तो सारे के सारे
जब प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ से जब क्रॉस कराते हैं तो जो प्रोजेनी F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, टाल होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 108। फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया सो इनहेरिटेंस ऑफ विच डिजीज। ठीक है, तो क्वीन बैक्टीरिया के फैमिली में जो पेडिग्री देखने को मिली थी तो कौन से डिजीज से जो है मैच करती थी, तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया डिजीज जो है उनके वंश में आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। जेड 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 डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, तो जेड जेड और जेड डब्ल्यू ये जो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये बर्ड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें जो होता है फीमेल हेट्रोजेनिटी होती है, कौन सा, फीमेल हेट्रोजेनिटी। ठीक है, यानी कि जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होने वाला है, पैदा होने वाला है, उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन यहाँ पे फीमेल से डिसाइड होता है। ठीक है, तो बर्ड्स में ये देखने को मिलता है जेड 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 डब्ल्यू। ठीक है, तो प्लेटिपस क्या है, प्लेटिपस एक मैमल है तो ये होगा नहीं, स्नेल मोलस्का ये भी नहीं होगा, पिकॉक बर्ड है तो इसमें आ जाएगा, कॉकरोच इंसेक्ट आता है तो इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिकॉक में, पिकॉक में जो है ये सिचुएशन देखने को मिलेगा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, फर्स्ट ऑप्शन में ही है वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 111 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आरएनए जेनेटिक मटेरियल, क्यूबी बैक्टेरियोफेज इसमें भी होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल, टीएमबी में सबको पता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल इसमें भी होता है, तो क्या हो जाएगा, बॉथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो इनमें आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, कोडान इज ट्रिपलेट ये सही है, कह रहा है कोडान इन एमआरएनए इज रीड इन नॉन कॉन्टिजियस, नॉन कॉन्टिजियस मैनर में नहीं, कॉन्टिजियस मैनर में रीड किया जाता है। ठीक है, सिर्फ कॉन्टिजियस मैनर में, कॉन्टिजियस। ठीक है, तो यही बात क्या हो गई, गलत हो गई, तो ये गलत हो गया। फिर सी कह रहा है कोड इज डीजनरेट एंड अम्बिगुअस, नहीं अनअम्बिगुअस होता है, क्या होता है, अनअम्बिगुअस। ठीक है, अनअम्बिगुअस। ठीक, तो ये बी और सी क्या हो गए, गलत हो गए। अब डी को देखते हैं, कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ठीक है, तो ये बात सही है, तो बी और सी क्या हो गए, गलत हो गए, तो ऑप्शन सेकंड में ही दिया है बी एंड सी। ठीक, तो गलत क्या क्या है, कोडान ट्रिपलेट होता है सही है, कोडान इन एमआरएनए इज रीडिंग नॉन कॉन्टिजियस मैनर दिया है, नहीं कॉन्टिजियस मैनर में होता है, और कोड इज डीजनरेट तो होता है लेकिन अनअम्बिगुअस होता है, एम्बिगुअस नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 113 पे। द लास्ट क्रोमोसोम टू बी सिक्वेंस्ड वाज, कौन सा ऐसा लास्ट क्रोमोसोम था जिसको सीक्वेंस किया गया था, तो क्रोमोसोम 1 जो है सबसे लास्ट में सीक्वेंस किया गया था, क्योंकि इसके पास कितने 2986 जीन्स मौजूद थे इसमें। ठीक है, ज़्यादा जीन होने की वजह से इसको सीक्वेंस करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा था, तो लास्ट में इसकी सीक्वेंसिंग की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्रोमोसोम फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएशन कोडान, तो इनिशिएशन कोडान सबको पता है ए यू जी होता है। ठीक है, ए यू जी,
और कहीं कहीं पे GUG भी इनिशिएशन कोडान होता है, ठीक है। क्या होता है? इनिशिएशन कोडान, इनिशिएशन कोडान, ठीक है। तो सबको पता होगा इनिशिएशन कोडान AUG होता है, तो राइट आंसर थर्ड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे, BNTR बिलोंग्स टू, तो BNTR जो होता है मिनी सैटेलाइट से बिलोंग करता है, न कि माइक्रो सैटेलाइट से, ठीक है। तो मिनी सैटेलाइट से बिलोंग करता है, ठीक है। और NCERT में ये साफ साफ लाइन दी हुई है, BNTR बिलोंग्स टू मिनी सैटेलाइट। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है BNTR का? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है टेंडम रिपीट, ठीक है, BNTR। तो ये किससे बिलोंग करता है? मिनी सैटेलाइट से बिलोंग करता है, ना कि माइक्रो सैटेलाइट से। और ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा दिया है बोथ ऑफ दीज, तो बोथ ऑफ दीज नहीं होगा, मिनी सैटेलाइट से बिलोंग करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है? ह्यूमन जीनोम कंटेंट, देखो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, 3164.7 है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम कंटेंट 3164.7 मिलियन बेस पेयर, तो ये NCERT का ही डाटा है, ये बात सही है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, ये भी सही है। 2% से कम जो जीनोम होते हैं वो प्रोटीन को कोड करते हैं, तो ये भी NCERT में साफ साफ लिखी गई है। क्रोमोसोम 1 हैज लेस जीन, नहीं गलत है, मोस्ट जीन होते हैं। और क्रोमोसोम Y हैज मोस्ट जीन, ये भी गलत हो गया। क्रोमोसोम Y में कितने जीन थे? क्रोमोसोम Y में 231 जीन्स थे, और क्रोमोसोम 1 में 2968 कितने जीन्स थे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या क्या हो रहा है? ए एंड बी, तो ए एंड बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यही दो बातें सही कही गई है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। वैल्यू ये है 3164.7 मिलियन बेस पेयर, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी कि थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा है जो गलत है? कह रहा है एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही बात है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं, ठीक। TCA साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, ये भी बात सही है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। फिर कह रहा है फोर्थ ऑप्शन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया, नहीं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया होता है, ठीक है। तो ये बात गलत हो गई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर, यानी कि ये बात गलत है, ठीक है। पूछा क्या गया है? गलत, तो राइट आंसर क्या हो गया? फोर्थ, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया, ये बात गलत है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया पे होता है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118 पे, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, और पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक। तो ये बात तो सही कही गई है, हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ मैकेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं, तो ये तो बात सही है। फिर कह रहा है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट, आपने पढ़ा होगा लिविंग स्टेट, और लिविंग स्टेट जो होता है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, ठीक है। तो यहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट दिया है, तो यहां पे क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक।
तो यानी कि पहला स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है, तो राइट आंसर सेकेंड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 119 पे। विच बायो एक्टिव मॉलिक्यूल इज यूज एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। जब भी किसी पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसको एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिया जाता है, ताकि जो ऑर्गन, फॉरेन ऑर्गन उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया गया है, उससे कोई एलर्जी ना हो, किसी तरह का कोई जो है दिक्कत ना हो, तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिया जाता है। तो ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कौन सा है? स्टेटिन नहीं होता है, साइक्लोस्पोरिन, यही जो है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ट्राइकोडर्मा नहीं, ये तो एक फंजाई है। स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये जो है एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, राइट आंसर साइक्लोस्पोरिन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 121 पे। ठीक है, मैचिंग का क्वेश्चन है। कॉलम फर्स्ट, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म किस में देखने को मिलेगा? तो माइकोराइजा में, तो इसका ए का सेकंड हो जाएगा। कॉमेंसलिज्म ऑर्किड में देखने को मिलेगा। ठीक, पैरासिटिज्म कोपपोड, सही है, और ब्रूड पैरासिटिज्म कोयल, तो ये भी सही हो गया। 2134 फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया? मैच कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 122 पे। प्रोसेस दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो इंक्लूड नहीं होता है? सेपरेशन होता है, सही है, प्यूरिफिकेशन होता है, सही है, क्वालिटी टेस्टिंग होती है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कौन कौन से हैं? सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड क्वालिटी टेस्टिंग। स्टीयरिंग जो होता है ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में नहीं आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीयरिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में नहीं आता है ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 123 पे। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट रेगुलेटर। तो जितने भी मैमल्स हुए, बर्ड्स हुए, ये क्या होते हैं? रेगुलेटर्स होते हैं, ये सबको पता है। तो पहला ऑप्शन दिया है ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स आर क्या होते हैं? रेगुलेटर्स होते हैं। वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट, कुछ ऐसे वर्टिब्रेट हैं जो रेगुलेटर होते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है। नियरली ऑल प्लांट्स ये रेगुलेटर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? कन्फर्मर्स होते हैं, कन्फर्मर्स। ठीक है, और कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज हैं जो रेगुलेटर होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियरली ऑल प्लांट्स। ठीक है, जितने भी मतलब प्लांट्स होते हैं वो रेगुलेटर का काम नहीं करते हैं। ठीक है, इनके अंदर किसी भी तरह का कोई कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोरेगुलेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और जो रेगुलेटर्स होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट और ऑस्मोरेगुलरिटी जो होती है वो भी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ऑल बर्ड एंड मैमल्स होते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज हैं और कुछ लोअर वर्टिब्रेट के स्पीसीज भी क्या होते हैं? रेगुलेटर का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं वो रेगुलेटर का काम नहीं करते हैं, वो किसका करते हैं? कन्फर्मर्स होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 124, ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब घोंसला किसी और का और अंडा किसी और का। ठीक है, तो इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है कक्कू, मतलब कोयल और क्रो। ठीक है, तो ब्रूड पैरासिटिज्म कोयल और क्रो के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 125 पे। टू गेट द पॉलिनेशन डन मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफरीज हैव इवॉल्व्ड विद व्हिच मॉडिफिकेशन। पॉलिनेशन के लिए जो ऑर्किड है, ठीक है, उसका नाम है ऑफरीज, जो ऑर्किड है तो अपने अंदर क्या चेंजेज लाता है? ठीक है, तो पॉलिनेशन होने के लिए
जो ऑर्किड है वो जो फीमेल फ्लावर होती है वो अपने अंदर जो फीमेल इंसेक्ट होता है, जो फीमेल बी होती है, उसके अंदर जिस तरह का बदलाव होता है सेम वही बदलाव जो है ये फीमेल फ्लावर अपने अंदर क्या कर लेती है, डेवलप कर लेती है। ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा, स्मॉल प्लांट साइज ये नहीं होगा। कह रहा अनकैनी रिजेंबलेंस टू द फीमेल बी इन साइज कलर एंड मार्किंग, तो जिस तरह का मार्किंग कलर और साइज जो होता है फीमेल बी का सेम वैसा ही पैटर्न जो फ्लावर होता है वो अपने अंडर डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रूट विथ रिजेंबलेंस टू मेल बी, नहीं ये गलत हो गया मानव जी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकेंड ऑप्शन। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन। ठीक है, तो जो दो स्ट्रैंड होते हैं डबल हेलिक्स जो होता है, ठीक है, तो जो दो स्ट्रैंड होते हैं आपस में किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से तो जुड़े होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, तो जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कौन कौन से, ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में है, नाइट्रोजिनस बेस के बीच में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126 था वो, 127 पे आते हैं। रेसरपाइन इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, रेसरपाइन किससे निकाला जाता है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है रॉल्फिया वोमिटोरिया, जहां देखो वहीं टिक लगा दो, रॉल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉल्फिया वोमिटोरिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, कौन से ईयर में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था, तो 1986 में जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, एटीपी एनएडीपीएच2 और CO2 का रेशियो क्या होगा, कब, C3 प्लांट में जब देखेंगे। ठीक है, तो जब C3 साइकिल चलती है, C3 साइकिल जब चलता है तो टोटल 18 एटीपी बनते हैं डायरेक्टली, 12 जो होते हैं NADPH2 बनते हैं, और कितने CO2 यूज होते हैं, तो 6 CO2 यूज होते हैं। ठीक है, तो जब इनका रेशियो निकालोगे ATP का, NADPH2 का और CO2 का, कितना हो जाएगा, 18 ATP बनते हैं, 12 NADPH2 बनते हैं और 6 ये होते हैं, तो कितना रेशियो हो जाएगा, 3:2:1, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, सही हो गया, 3:2:1, देख लो एक बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 130। इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है, कह रहा है अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन सम सेल्स, नहीं सम सेल्स में नहीं होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम, नहीं क्रोमोसोम का जो अमाउंट होता है वो सेम होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, ये बात सही है, ईच सेल में जो अमाउंट होता है डीएनए का वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर ड्यूरिंग, कह रहा है होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, ठीक है, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं अपने सेंट्रोमियर से, तो कौन सा, तो मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज जब फर्स्ट पढ़ोगे आप तो उसमें साफ साफ लिखा है होमोलॉगस क्रोमोसोम तो अलग होते हैं, लेकिन
जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो अभी भी अपने सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, तो राइट आंसर एनाफेज फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132 पे। इन विच क्लास ऑफ फंजाई मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर। तो फंजाई का कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें ज्यादातर जो मेंबर्स हैं क्या है, डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं सबसे ज्यादा ड्यूटरोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। ड्यूटरोमाइसिटीज जब आप पढ़ोगे फंजाई का, तो उसमें लास्ट में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जितने भी मतलब इसके स्पीसीज हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, तो ड्यूटरोमाइसिटीज हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 133 पे। वैक्सिलरी एस्टिमेशन इन कोरोला किसमें प्रेजेंट होता है, वैक्सिलरी एस्टिमेशन किसमें प्रेजेंट होता है। तो वैक्सिलरी एस्टिमेशन जो होता है करेक्टरिस्टिक फीचर है जो फेवेसी फैमिली होता है, फेवेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें वैक्सिलरी एस्टिमेशन देखने को मिलता है उनके कोरोला में, यानी कि सेपल्स में, सॉरी पेटल्स में। तो ये ऐसे देखने को मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड विंग और कील। ठीक है, स्टैंडर्ड विंग और कील। ठीक है, तो ये होता है ऐसे पेटल का पैटर्न होता है, और ये कौन सा है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, और एक वैक्सिलरी एस्टिवेशन करेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, फेवेसी फैमिली का। तो ग्राम फेवेसी फैमिली में आता है, ये हो जाएगा। मूंग ये भी फेवेसी फैमिली में आता हो जाएगा। ट्राइफोलियम भी फेवेसी फैमिली का ही मेंबर है, यानी ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 134 पे। द स्कार ऑन सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स आर अटैच्ड टू द फ्रूट। एक स्कार जो होता है सीड पे देखने को मिलता है। ठीक है, और थ्रू विच डेवलपिंग सीड आर अटैच्ड टू द फ्रूट, और जो डेवलपिंग सीड होते हैं उसी के सहारे जो है जुड़े हुए होते हैं फ्रूट से। ठीक है, तो जो स्कार होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो टेस्टा होगा नहीं क्योंकि ये सीड कोट का पार्ट है, प्लेसेंटा होगा नहीं, हाइलम। तो जो स्कार होता है सीड कोट पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइलम, रेफी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 135 है। द प्लांट इन विच प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज विथ CO2 कंसंट्रेशन। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कब बढ़ती है, जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने पे प्रोडक्टिविटी उन प्लांट्स में बढ़ती है जो मोनोकार्ट होते हैं। ठीक है, तो सॉर्गम मोनोकार्ट का ही प्लांट होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्टिविटी CO2 के कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ इसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, बाकी सब में नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 136 पे। करा ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीचेज अबाउट। जो ईस्ट होता है वो कब जो है खुद मतलब उसके लिए पॉइजन का काम करता है, जब एल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना पहुंच जाए, तो अबाउट 30% जब 13% जब एल्कोहल का कंसंट्रेशन पहुंच जाता है तो ईस्ट के लिए पॉइजन का काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13% यानी 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 137 पे। ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए कौन सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है, मैलेट नहीं, ऑक्सलोसिटेट ये भी नहीं, मेलोनेट जो होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर मेलोनेट हो जाएगा। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस ऑफ ब्रूइंग इंडस्ट्री विच पीजीआर इज यूज्ड। ठीक है, तो माल्टिंग प्रोसेस के लिए
कौन सा जो है पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो साफ साफ लिखा हुआ भी है, माल्टिंग प्रोसेस के लिए जिब्रेलिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन प्रोड्यूसेज, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में क्या बनता है। तो दो तरह के फोटोफास्फोराइलेशन होते हैं, नॉन साइक्लिक और दूसरा होता है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में एटीपी बनेगा, NADPH2 बनता है, NADPH2 एंड O2 बनता है। लेकिन साइक्लिक में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है, ठीक है। तो NADPH नहीं होगा, ATP एंड NADPH ये भी नहीं होगा, ATP NADPH O2 ये भी नहीं होगा, ATP सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 140 पे, कह रहा है आउट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 800 इंडिविजुअल इन F2 जनरेशन ऑफ ए क्रॉस बिटवीन येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड पी प्लांट, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड के कितने नंबर होंगे। कह रहा है कि राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन इनका जो है क्रॉस कराया गया, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, जब इनका क्रॉस कराओगे तो सारे के सारे क्या बनेंगे, राउंड और येलो ये बनते हैं F1 में, ठीक है। ठीक, जब इसकी सेल्फिंग कराओगे R और Y की, जब सेल्फिंग कराओगे, ठीक है, तो F2 जनरेशन में क्या बनता है, F2 जनरेशन में 9:3:3:1 का रेशियो देखने को मिलता है, और ये जो 1 होता है ये क्या होता है, रिंकल्ड ग्रीन होता है, यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई रिंकल्ड ग्रीन होता है, ठीक है। और रिंकल्ड ग्रीन बताना है कितने में, 800 में, और ये जो 1 बनता है कितने बनता है, 16 में बनता है। तो 1/16 इंटू क्या करेंगे, 800 करेंगे, ठीक है। 65 × 80 यानी कि कितने बनेंगे टोटल, 50 जो है रिंकल्ड ग्रीन बनेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 यानी कि 3rd, ठीक है, देख लो एक बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच का क्वेश्चन है, ठीक है। प्लांट हार्मोन दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। जियाटिन क्या होता है, तो जियाटिन जो होता है साइटोकाइनिन होता है, सबको पता होगा। फ्लोरीजेन फ्लावरिंग हार्मोन, IBA नेचुरल ऑक्सिन हो गया, और NAA सिंथेटिक ऑक्सिन हो गया, ठीक है। तो 3142 यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 का 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। डायोसियस लीवरवर्ट, लीवरवर्ट क्या होते हैं, तो NCERT में लीवरवर्ट सिर्फ एक ही दिया है, कौन सा, मार्केंसिया, और मार्केंसिया के दो फॉर्म दिए हुए हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। तो जहां मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट होते हैं उसको बोलते हैं डायोसियस कंडीशन, तो मार्केंसिया में ही डायोसियस कंडीशन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर 1st हो गया, ठीक है। टेरिस होगा नहीं क्योंकि टेरिडोफाइटा है, प्यूनेरिया होगा नहीं, सिलेजिनेला ये भी नहीं होगा, ये भी टेरिडोफाइटा है, और प्यूनेरिया तो मास होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्केंसिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 143 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ पाइनस हेल्प टू एक्सट्रीम कंडीशन, कौन कौन से ऐसे पाइनस के फीचर हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में
उसको सरवाइव करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सनकेन स्टोमेटा होता है, सही बात है, पीनेट लीव्स नहीं, नीडल लाइक लीव्स ये भी होता है, ठीक है। तो ये दो ऐसे स्पेशल फीचर हैं पाइनस के, ठीक है, जो इसकी सर्वाइवेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, बहुत फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो राइट आंसर बहुत फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेकिंग कॉम्पिटेंट सेल। कॉम्पिटेंट सेल बनाने के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल को डाइवेलेंट केटायन के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अब देख लो, ए बी सी डी करके दिया हुआ है, तो सबसे पहले डाइवेलेंट केटायन के साथ ट्रीट करते हैं, तो सी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद द सेल ऑन आइस, ठीक है। फिर डीएनए को एडिशन करेंगे आइस पे, फिर उसके बाद से फिर 42 डिग्री सेल्सियस, और फिर जो है दोबारा आइस पे रखते हैं, यानी कि बी हो जाएगा। फिर उसके बाद से ए हो जाएगा, डीएनए इंटर द सेल, लास्ट में डीएनए क्या हो जाता है, सेल के अंदर इंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी डी बी ए, यानी कि थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, ठीक है। तो डीएनए सीक्वेंस नहीं, इस पे नहीं, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इस पे भी नहीं, किस पे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, प्लांट में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होता है, कौन कौन से केमिकल उसके स्पेशल हैं, उसके बेस्ड पे कीमोटेक्सोनॉमी बनाया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 146 पे, पॉलीमोनियल्स एंड पोएल्स बिलोंग टू। तो पॉलीमोनियल्स और पोएल्स क्या है, देखो ये दोनों ऑर्डर हैं, अलग अलग क्लास के, ठीक है, तो डिफरेंट क्लास हो जाएगा। और डिवीजन, डिवीजन क्या हो जाएगा, पॉलीमोनियल्स एंड पोएल्स बिलोंग टू, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। इसकी फैमिली सोलेनेसी होगी, इसकी अलग होगी, ठीक है। तो डिफरेंट क्लास, बट पहला ऑप्शन दे रहा है सेम क्लास एंड डिवीजन, नहीं, डिफरेंट क्लास एंड डिवीजन, डिफरेंट क्लास बट सेम डिवीजन, डिफरेंट क्लास बट सेम डिवीजन होता है, ठीक है। डिफरेंट क्लास बट सेम डिवीजन, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, डिफरेंट क्लास बट सेम डिवीजन, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, तो टीलोफेज नहीं, मेटाफेज ये भी नहीं, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है, मियोसिस फर्स्ट का लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, 147 का थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है, इफ देयर आर 30 क्रोमोसोम इन जी1 फेज, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बाइवेलेंट इन जाइगोटिन स्टेज, ठीक है। बाइवेलेंट कैसे बनते हैं, तो जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, तो बाइवेलेंट बनते हैं। जीवन में कितना दिया हुआ है, 30 क्रोमोसोम, तो जाइगोटीन में कितने हो जाएंगे, ठीक है, बाइवेलेंट्स, तो 30 बाई क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 15, यानी 15 बाइवेलेंट्स बनेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 149 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांट ग्रोथ इज इनकरेक्ट। प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा बात जो है गलत कहा गया है, इट इज लोकलाइज्ड, इट इज ओपन इंडेड, इट इज इनडिटर्मिनेट, इट डज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत कहा गया है,
तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है लोकलाइज्ड होता है, फिर ओपन इंडेड, इट इज इनडिटर्मिनेट, फिर कह रहा इट डज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्ट्स। नहीं, यही तो बात गलत है, इट डज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्ट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। अब आ जाओ, प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन। लेमन और टोमेटो में कौन सा प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है? तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्जाइल हो जाएगा। ठीक है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 पे कह रहा है कौन सा गलत है। ए हैप्लॉयड पेरेंट प्रोड्यूस गैमिट बाई मियोटिक डिवीजन। हैप्लॉयड पेरेंट है तो गैमिट प्रोड्यूस करना होगा, तो क्या करेगा? माइटोटिक करेगा। ठीक है, मियोटिक नहीं करेगा, तो ये बात गलत हो गई। तो राइट आंसर तो यही हो गया। ठीक है, तो यही बात गलत है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज इनकरेक्ट। कौन सी बात गलत कही गई है? टैपेटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म, सही बात है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस, ये भी बात सही है। एज एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। नहीं, ये मेल गैमेटोफाइट होगा। ठीक है, यही गलत हो गया। हिबिस्कस एज एलोइस पाउडर ही पॉलिंग, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, यही गलत है। फीमेल तो थोड़ी मेल गैमेटोफाइट बनाएगा ना, पालेन ग्रेन। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 153। इन पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दिस कंडीशन प्रिवेंट। पपाया के दो प्लांट होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है, तो जैसे मान लो ये पपाया का प्लांट है, ठीक है, ये मेल है और ये दूसरा वाला पपाया का फीमेल प्लांट है। ठीक है, मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग। अब इसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा? तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, वो भी कौन सा? जीनोगैमी। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? जीनोगैमी। ठीक है, जीनोगैमी होगा। जीटोनोगैमी हो नहीं सकता क्योंकि मेल और फीमेल अलग है। ऑटोगैमी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मेल और फीमेल बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रिवेंट हो जाएंगे पॉलिनेशन? जीनोगैमी को छोड़ करके जितने हैं, तो जीनोगैमी तो होगा, जीटोनोगैमी ये नहीं होगा, स्यूडोगैमी बहुत, ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी, ये दोनों प्रिवेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई डायोसियस प्लांट होता है, यानी मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग पाए जाते हैं, तो उनमें जब पॉलिनेशन होगा तो सिर्फ कौन सा? सिर्फ जीनोगैमी पॉलिनेशन होता है और बाकी जो ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी होते हैं वो प्रिवेंटेड होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 154 है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है टू बी ए क्लोनिंग वेक्टर ए प्लाज्मिड रिक्वायर एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो एक प्लाज्मिड को किसकी जरूरत पड़ती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब क्लोनिंग करना होता है तो। चलो, ये तो बात सही हो गया। अब कह रहा नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन क्लोरामफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, नॉर्मल ई कोलाई में ये रेजिस्टेंस नहीं होता है किसके प्रति? एम्पिसिलिन क्लोरामफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155 पे कह रहा है इन गार्डन पी येलो कलर ऑफ कॉटिलीडन इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप ऑफ सीड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। ठीक है, व्हेन ए प्लांट विथ येलो एंड राउंड सीड, ये दिया हुआ है। क्या दिया है? वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है,
इज क्रॉस्ड विथ प्लांट हैविंग येलो रिंकल्ड सीड, कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब इनके बीच में क्या कर दिया गया, क्रॉस कर दिया गया। द प्रोजेनी शोड सेग्रीगेशन ऑफ ऑल द फोर कैरेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग कौन सा ग्रीन राउंड सीड, ये बताना है। ठीक है, कितने ग्रीन राउंड सीड बनेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दो गैमिट बनेंगे, कौन कौन से, तो यहाँ पे दो गैमिट बनाओ, एक बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा बनेगा कौन सा कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे दो गैमिट बनाओ, क्या बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इनका हम क्या कराते हैं, चलो इनका क्रॉस करा देते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये क्या हो जाएगा राउंड एल्लो। ठीक है, ये राउंड एल्लो हो गया, फिर इसका इससे करा दो, क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या हो जाएगा राउंड एल्लो। अब इसका इससे कराना है, क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये राउंड ग्रीन हो जाएगा, फिर इसका इससे कराओगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये कैपिटल वाई है ना, अब इसका इससे कराओगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक, तो तीन क्या बन रहे हैं, राउंड येलो बन रहे हैं, और एक जो है क्या बन रहा है राउंड ग्रीन बन रहा है। ठीक है, तो ग्रीन राउंड सीड कितने होंगे, 1/4। ठीक है, चार में से एक ऐसा होगा जो राउंड ग्रीन होगा, या ग्रीन राउंड कह सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि थर्ड। ठीक है, देख लो एक बार, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 156 पे। विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग विथ रेस्पेक्ट टू टेलिंग ऑफ HNRNA, कौन सी बात गलत कही गई है। ठीक है, इट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, अराउंड 200 टू 300 रेजिड्यू आर एडेड टू थर्ड एंड इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर, टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर के रूप में नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, दिस अकर्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, सही है, दिस हैपन इन यूकेरियोट, यही बात सही है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है यही गलत हो गया। ठीक है, जब आप पढ़ोगे ट्रांसक्रिप्शन के बाद तो ये आपको दिखाया जाएगा टेलिंग और कैपिंग। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पे। आरएनए पॉलीमरेज विच ट्रांसक्रिप्ट्स प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, द हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, तो कह रहा है एमआरएनए बनाने के लिए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल किया जाता है। तो तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, और ये जो तीन तरह के होते हैं, तो पहला वाला जो होता है आरआरएनए बनाता है, सेकेंड वाला एमआरएनए बनाएगा, और थर्ड वाला जो होता है, ठीक है, ये टीआरएनए बनाता है। ठीक है, तो एमआरएनए बनाने के लिए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज जरूरत पड़ेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की जरूरत पड़ती है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए से एमआरएनए बनाने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन कोडान कोड फॉर ओनली वन एमिनो एसिड, हेंस इट इज, कह रहा है एक ही कोडान जो होता है केवल एक ही अमीनो एसिड को अगर कोड कर रहा है तो ये क्या है, तो ये अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक
करेक्टर को शो करता है तो क्या हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा, डिजनरेट नहीं, यूनिवर्सल नहीं, ठीक है। तो अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, अगर किसी एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक ही कोडान है तो क्या स्पेसिफिक है, ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 पे। पाउज्ड मैमल एंड प्लेसेंटल मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया शो, देखो पाउज्ड मैमल और प्लेसेंटल मैमल ये दो अलग अलग क्या हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो शो करेंगे, पाउज्ड मैमल अलग हो गए, प्लेसेंटल मैमल अलग हो गए, ठीक, डाइवर्जेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, और जहां कन्वर्जेंट होगा वहां पे एनालॉगी भी देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉथ फर्स्ट एंड थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, तो एक बार देख लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 160 पे, विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कह रहा हेल्थ इज ओनली फिजिकल, नहीं यार हेल्थ ओनली फिजिकल नहीं होता है, पर्सनल हाइजीन इज इसेंशियल फॉर हेल्थ, बिल्कुल बहुत जरूरी है, पर्सनल हाइजीन खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, योगा इज एन एंशियंट हेल्थ प्रैक्टिस, बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है इन्फेक्शियस डिजीज आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन पर्सन, इन्फेक्शियस जो भी मतलब संक्रमित बीमारियां होती हैं वो सिर्फ एक ही इंसान के अंदर थोड़ी होता है, एक से दूसरे में भी ट्रांसमिट हो सकता है, तो ये भी बात सही है, तो तीनों की तीनों बातें सही हो गई, कौन कौन सी, ए गलत हो गया, बी सी डी सही हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी सही, ठीक है, यानी कि थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग सीवियर प्रॉब्लम, एल्वियोलाई जब किसी फ्लूइड से क्या हो जाता है, भर जाता है, तो कौन से केस में भरता है, तो जब न्यूमोनिया का केस काफ़ी सीवियर हो जाता है तो उस समय जो एल्वियोलाई होता है वो एक फ्लूइड से क्या होता है, भर जाता है, ठीक है, तो काफ़ी सीवियर कंडीशन देखने को मिलता है, तो कौन सी बीमारी होती है, तो इन न्यूमोनिया इन्फेक्शन, ठीक है, तो न्यूमोनिया के इन्फेक्शन में एल्वियोलाई जो होता है फ्लूइड से भर जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन न्यूमोनिया इन्फेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कह रहा क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलागस क्रोमोसोम, होमोलागस क्रोमोसोम दो होमोलागस क्रोमोसोम के बीच में क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, और उनके बीच में क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है क्रॉसिंग ओवर का क्या है डिफिनीशन कह सकते हो आप, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बिटवीन होमोलागस क्रोमोसोम, ये बात अगर है तो सही है, ठीक है, तो ये तो सही हो गया। फिर दूसरा कह रहा है क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन सिस्टर क्रोमेटी, सिस्टर नहीं, यहाँ पे ये बात गलत हो गई, सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलागस क्रोमोसोम, ये अगर है तो क्रॉसिंग ओवर के लिए बात सही है, तो ये गलत हो गया। फिर क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम इस्तेमाल होता है, फिर एंजाइम रिकॉम्बिनेज इन्वॉल्व इन द क्रॉसिंग ओवर, देखो तो ये भी बात सही है, तो कौन सा गलत हो गया, बी गलत हो गया, बाकी ए सी डी सही हो गया, तो ओनली ए सी डी इज करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा थर्ड, ओनली ए सी डी आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज मार्क्ड बाई टर्मिनाइजेशन ऑफ क्याजमेटा, क्याजमेटा का टर्मिनाइजेशन किस स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है, तो टर्मिनाइजेशन जो होता है डाइकाइनेसिस के केस में देखने को मिलता है, ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइकाइनेसिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 पे, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इज पॉसिबल बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हेन दे आर वर्किंग ऑन द बैक्टीरियम, तो जो पेनिसिलिन की जब डिस्कवरी हुई थी
तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे? स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, इस बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे। तो पहला स्टेफाइलोकोकाई, हाँ यही था, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, स्ट्रेप्टोबैसिलस ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकाई पे जब वो काम कर रहे थे तो उस रीजन में बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो रहा था, जिस रीजन में वो जो फंजाई या जो मोल्ड थे डेवलप हो रहे थे। क्यों? तो जब वो फंजाई और मोल्ड डेवलप हो रहे थे तो उससे एक केमिकल सिक्रीट हो रहा था जो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा था, ठीक है, यानी कि एंटीबायोटिक का काम कर रहा था, ठीक। तो राइट आंसर क्या है, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया उन्होंने वो कल्चर कर रहे थे, तो उसी समय देखा कि कुछ जगह ऐसा है कि मतलब कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है और वहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, मोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड इससे प्रोड्यूस होता है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, चलो ये भी सही है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिक एसिड, ये भी सही है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, तो ये भी सही है, ये सारे सीक्वेंस में है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन इंडोल न्यूक्लियज आर मोस्ट वाइडली यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दे आर ऑब्टेंड फ्रॉम, ठीक है। तो जो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज है, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज जो होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया सेल से निकाला जाता है, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल से निकाले जाते हैं, यानी कौन सा बैक्टीरिया था, ई कोलाई बैक्टीरिया, इससे निकाला गया था, ठीक है, उसी का इस्तेमाल करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इसर्सिया कोलाई राइट आंसर हो जाएगा, इसर्सिया कोलाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 पे, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन डज नॉट किल बैसिलस थुरिजेंसिस इटसेल्फ, ठीक है। जो बीटी टॉक्सिन होता है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, वो बैसिलस थुरिजेंसिस बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, क्यों? तो पहला कह रहा है ऑप्शन, इट इज प्रोड्यूस द इनएक्टिव क्रिस्टल फॉर्म, सही है। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन रिक्वायर एल्कलाइन पीएच फॉर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन, ये भी बात सही है। तो ये पहली बात, इनएक्टिव क्रिस्टल फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, और दूसरा, इसको एक्टिव होने के लिए, इसको टॉक्सिन बनने के लिए कौन सा एल्कलाइन पीएच की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये दोनों बातें ऐसी हैं, ये दोनों बातें ऐसी हैं जो बैसिलस थुरिजेंसिस को बीटी टॉक्सिन से किल होने से बचाती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन किल इंसेक्ट बिकॉज, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन इंसेक्ट को कैसे मार देते हैं? तो कह रहा है एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच नहीं होता है, ये नहीं होगा, एल्कलाइन पीएच होता है। फिर कह रहा है एसिडिक पीएच इन गट सॉल्वेंट, नहीं ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियम एंड कॉजेस स्वेलिंग एंड लिसिस। तो जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है, कौन सा, एल्कलाइन पीएच मिला इंसेक्ट के गट में, अब वो एक्टिव हो गया, टॉक्सिन रिलीज होने लगा, अब वो टॉक्सिन किससे बाइंड करेगा, मिड गट ऑफ एपिथेलियम, इपिथिलियम पे बाइंड करेगा, और उस तरह से क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी तो कुछ देर बाद उसका जो गट होगा वो फट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उस इंसेक्ट की क्या होती है, मौत होती है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, कि जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो मिड गट के सरफेस पे जाके क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, और उस तरह से स्वेलिंग होती है और बाद में लिसिस हो जाता है, यानी फट जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर थर्ड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 169 पे, इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज पेशेंट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, शुरू में इंसुलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था, तो पीक से किया जा रहा था, ठीक है।
स्लॉटर्ड जो कैटल्स थे उनसे भी निकाला जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच्योर इंसुलिन के पास क्या क्या होता है? तो मैच्योर इंसुलिन में ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चैन होते हैं, ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चैन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जो सी पॉलीपेप्टाइड होता है ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो मैच्योर इंसुलिन है उसके पास क्या होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं, टू पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है यही होता है, तीसरा वाला नहीं होता है तो थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होगा। ठीक है, तो टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, कौन कौन से, ए एंड बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पे, ग्रेफियन फॉलिकल किससे मैच्योर फॉलिकल को बनाएगा। चलो, एक क्रोसोम किसमें पाया जाता है, तो स्पर्म में पाया जाता है, तो इसका थर्ड हो गया। एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, सेकेंड हो गया। सर्टोली सेल टेस्टिस में देखने को मिलेगा, तो ये हो गया। 4321 फर्स्ट ऑप्शन में है, तो राइट आंसर 4321 हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरियम हैज बीन यूज्ड एज क्लॉट बूस्टर। क्लॉट बूस्टर का काम कौन करता है? ठीक है, ट्राइकोडर्मा नहीं भैया, स्ट्रेप्टोकोकस जी, स्ट्रेप्टोकोकस ही जो होता है क्लॉट बूस्टर का काम करता है। और क्लॉट बूस्टर का काम करता है और कैसे करता है, तो देखो इससे निकलता है क्या, स्ट्रेप्टो काइनेज, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, क्लॉट बूस्टर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एसर्शन, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड को फैक्टर आर बाउंड टू एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है रीजन, ओनली को एंजाइम सर्व एज को फैक्टर, नहीं सिर्फ को एंजाइम ही सर्व नहीं करते को फैक्टर। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो एसर्शन ट्रू है, रीजन क्या है, गलत है। एसर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फ्यू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर एग्जाम्पल्स आर मेंशनड बिलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर बताना है। देखो, एल्कलॉइड मॉर्फिन एंड कोडीन, चलो ये तो सही हो गया। ड्रग विनब्लास्टिन और कुरकुमिन, चलो ये भी सही हो गया। टॉक्सिन दिया है कंकनावेलिन, ए नहीं रिसिन होता है और एब्रिन होता है। ठीक है, और एसेंशियल आयन लेमन ग्रास आयन ये होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड टॉक्सिन कंकनावेलिन ए, ये गलत है। ठीक है, देख लो एक बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 175, विच स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो जब आप रेड एल्गी पढ़ोगे तो रेड एल्गी में जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, और फ्लोरिडियन स्टार्च के बारे में साफ साफ बोला गया है कि ये जो होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 176 पे। ठीक है, तो सबसे पहले मलेरिया का मैच करते हैं हम। चलो, वेक्टर पूछा है, वेक्टर, तो वेक्टर हो जाएगा फीमेल एनाफिलीज, तो यानी ई का थर्ड हो गया।
ठीक, बी का थर्ड हो गया, बी का थर्ड दो ऑप्शन में है। फिर फाइलेरियासिस, ये इसका क्यूलेक्स होता है। डी का फर्स्ट हो गया, डी का फर्स्ट इन दोनों में है। ठीक है, अब चिकनगुनिया पे आते हैं। तो जो चिकनगुनिया है, तो चिकनगुनिया सी नंबर इसका हो जाएगा एडीज, तो चिकनगुनिया का सेकंड हो गया एडीज। ठीक है, ए ए के लिए भी एडीज है, इसका भी हो जाएगा सेकंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम फोर्थ जो दिया है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोडाइवर्सिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, बायोडाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल ओनली नहीं, कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यही बात सही है। ठीक है, हर लेवल पे जो है डाइवर्सिटी को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, कंबाइंड डाइवर्सिटी। अब आ जाओ, रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्टीलर सी काऊ बिलोंग्स टू, तो सबको पता है स्टीलर सी काऊ जो एक्सटिंक्ट हुआ था कौन से कंट्री से बिलोंग कर रहा है, तो रसिया से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रसिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। विच सेल ऑफ बॉडी इज नोन एज एचआईवी फैक्ट्री, एचआईवी फैक्ट्री किसको बोलते हैं, जो माइक्रोफेजेज होते हैं उनको बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट, एक्सट्रीम साल्टी एरिया हेलोफाइल्स, चलो ठीक है, हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, मार्सी एरिया में मैथेनोजेंस और मैथेनोजेंस रुमिनेंट एनिमल। तो इसमें चारों के चारों क्या है, करेक्ट मैच है, देख लो एक बार, चारों के चारों क्या है, करेक्ट मैच है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 181 पे। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है यूटीआर प्रेजेंट एट बॉथ फिफ्थ एंड थर्ड डैश एंड और ट्रांसलेशनल यूनिट इन एमआरएनए। चलो, ईयू कैरियोट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कॉल्ड एचएनआरएनए कंटेन बॉथ द एग्जॉन एंड इंट्रॉन एंड आर नॉन फंक्शनल। तो ये दोनों बातें सही कही गई हैं, ये भी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन रीजन पे। स्टेटिन इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है, किससे निकाला जाता है, तो मोनेस्कस परफ्यूरियस से, मोनेस्कस परफ्यूरियस। ठीक है, इससे निकाला जाता है। फिर रीजन क्या है, इट इज इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये भी बात सही कही गई है, और ये जो बात है इसको क्या कर रही है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है क्यों इसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कहा जाता है। तो ये क्या करता है, ये उस एंजाइम को इनहिबिट करता है जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है। ठीक है, इस वजह से इसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, बहुत ए एंड आर आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो जिसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है वही हो जाएगा, तो फोर्थ में दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट, परसेप्शन ऑफ लाइट वाला कौन सा जगह होता है, तो लिब्स यही जो होता है परसेप्शन ऑफ लाइट या डार्क ड्यूरेशन के लिए जरूरत होती है लिब्स की। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 184 पे। एबीए प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड, सही है, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, बिल्कुल सही बात है।
रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिजन, ये भी सही है। तो सारी की सारी बातें इसके लिए सही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। एंटागोनिस्टिक होता है जिब्रेलिक एसिड के, इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, और एब्सिजन में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये सही है। हेट्रोफिली फाउंड इन कॉटन में पाया जाता है, कोरिएंडर में भी पाया जाता है, लार्क स्पर में भी पाया जाता है, तो सब में पाया जाता है, कॉटन, कोरिएंडर, लार्क स्पर, इन सब में हेट्रोफिली देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है आर क्यू, आर क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, इवॉल्व सीओ टू अपॉन कंज्यूम ओ टू, ठीक है। इवॉल्व सीओ टू देखो कितना है, 102 अपॉन ओ टू कितना है, 145। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.7 के करीब आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.7। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.7, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच नेट गेन एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कितना जो है नेट गेन एटीपी होता है। तो साफ साफ बुक में भी लिखा है 38 एटीपी जो है नेट गेन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 एटीपी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन फर्मेंटेशन देयर इज ए हाउ मेनी नेट गेन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पाइरूविक एसिड। तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि फर्मेंटेशन में कितना जो है एटीपी नेट गेन होता है। तो फर्मेंटेशन के केस में आप जब जाओगे तो 2 एटीपी जो होता है नेट गेन होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, 2 एटीपी फर्मेंटेशन के केस में, एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में नेट गेन एटीपी कितना है, 38 एटीपी, ठीक है। तो राइट आंसर 2 एटीपी। क्वेश्चन नंबर 189 पे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, चलो, बाय द एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम। तो चाहे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बने या फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बने, कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उसके प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है फॉस्फोराइलेट हो जाता है, किसमें, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ठीक है। तो राइट आंसर हेक्सोकाइनेज यानी कि फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 190 पे। विच प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर एंड सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कौन सा ऐसा प्लांट है जो जिसको हाई टेम्परेचर भी चाहिए और हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी शो करता है, ठीक है। तो C4 प्लांट ऐसे प्लांट है जिनको हायर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और उस हायर टेम्परेचर पे भी हायर प्रोडक्टिविटी वो शो करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C4 प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूबिस्को हैज ए मच ग्रेटर एफिनिटी, रूबिस्को के पास ग्रेटर एफिनिटी किसके लिए होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है और हाइड्रोजन दिया है। तो सबसे ज्यादा अगर एफिनिटी देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है, ठीक है, और बाद में जो होता है O2 के लिए होता है। तो सबसे ज्यादा पूछा है, मच ग्रेटर एफिनिटी, ज्यादा एफिनिटी किसके लिए होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट क्रायजेनोटॉमी, क्रायजेनोटॉमी के लिए क्या जो है गलत है। तो पहला कह रहा था बंडल सीट सेल में फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वैस्कुलर बंडल, फिर कह रहा थीक वॉल इंपरवियस टू गैसियस एक्सचेंज, मोर इंटरसेलुलर स्पेसेज फाउंड इन मेज एंड सॉर्गम। इंटरसेलुलर स्पेसेज नहीं पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
193 पे हाउ मेनी एनिमल सो द होमियोथर्मस। होमियोथर्मस का मतलब वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो जहां पे देखो ऑल बर्ड्स एंड मैमल क्या होते हैं, होमियोथर्मी होते हैं, ठीक है। अब देखो कैनिस क्या है, कैनिस जो होता है मैमल होता है, फेलिस ये भी मैमल है, एलिगेटर रेप्टाइल है, ये नहीं होगा, चिलोन भी क्या है रेप्टाइल है, कॉर्वस बर्ड ये भी होगा, राना एम्फीबिया, सेलेमेंडर भी क्या है एम्फीबिया है, मैक्रोपस ये किसमें आते हैं, तो मैक्रोपस जो है ये आते हैं मैमल में, कैलोटीज होगा नहीं, क्रोकोडाइल भी नहीं होगा, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो चार ऐसे हैं जिनमें क्या देखने को मिलता है, होमियोथर्मी देखने को मिलता है, ठीक है। देख लो एक बार, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, ठीक है, कॉर्वस क्रो, मैक्रोपस और कैरोटिज, इन सब में नहीं देखने को मिलेगा। तो होमियोथर्मी बर्ड और मैमल जहां देखो उनको टिक कर लो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 194, कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल विथ स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ आर कैरेक्टर्स ऑफ, ठीक है। तो कंजॉइंट कोलैटरल देखो क्लोज दे दिया है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल दिया है, तो क्लोज और स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल मोनोकार्ड में पाया जाता है, और मोनोकार्ड में कहाँ, स्टेम की रूट में, तो स्टेम में पाया जाता है, तो ये किसका फीचर है, तो मोनोकार्ड स्टेम का फीचर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। देख लो एक बार, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैचिंग का क्वेश्चन है और मैच करके बताना है, स्टेम टेंड्रिल वाटरमेलन में देखने को मिलेगा, चलो थॉर्न्स बोगनविलिया में देखने को मिलेगा, चलो इसके लिए दूसरा हो गया, अंडरग्राउंड स्टेम कोलोकेशिया हो गया, और स्टील्ड रूट मेज, तो 3241 फर्स्ट आंसर ही सही है, ठीक है, यही करेक्ट मैच है, तो एक बार देख लो आप। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी मैच का क्वेश्चन है, सीडीआरआई कहाँ है, लखनऊ में है, एसटीडी, एसटीडी कौन सा है, एड्स, इसका थर्ड हो जाएगा, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, चलो सेकंड हो जाएगा, कंट्रासेप्टिव पीरियोडिक एब्सटिनेंस, चलो ये भी हो गया, तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 इसका भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, मिला लो एक बार। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इंपॉर्टेंस, बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, सही बात है, द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, बिल्कुल सही बात है, लैक्टोबैसिलस हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो ये भी तो सही है। फिर कह रहा है सम बैसिलस एंड फिलामेंटस बैक्टीरिया हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है ये भी बात सही है, राइजोबियम हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, तो ये भी बात सही है, यानी कि सारी की सारी बातें क्या है, सही है, तो ए बी सी एंड डी सही है, तो यही आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी एंड ई ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 198 पे स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीट एंड कैप्सूल, चलो सही है, मॉस में जो स्पोरोफाइट बनता है फूड सीट और कैप्सूलिंग में डिफरेंशिएट होता है, जेनेरा सिलेजिनेला एंड साल्विनिया आर नोन एज हेट्रोस्पोरस, तो ये भी बात सही है, सिलेजिनेला और साल्विनिया क्या होते हैं,
हेटरोस्पोरस होते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट हो जाएगा, देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 199 पे। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड कॉलम सेकेंड। जाइगोटिन, जाइगोटिन में क्या होता है, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। चलो पैचिटिन में क्या होता है, तो पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर इस सेकेंड दे दिया। डिप्लोटीन में क्या होता है, क्याज्मा फॉर्मेशन होता है। चलो थर्ड हो गया। ओके, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है। तो 1 2 3 4, तो यही आंसर मैच कर रहा है फर्स्ट, देख लो आप एक बार। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 200। व्हाट द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इट इज नोन एज। कह रहा है द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स, ऐसा इनहिबिटर जो क्लोजली रिजेंबल हो किसके, सबस्ट्रेट के, ठीक है। और फिर कह रहा है किसमें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, और क्या कर रहा हो, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम और सबस्ट्रेट के रिजेंबल हो, मतलब सबस्ट्रेट जैसा ही देखने में हो और उसके वजह से एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो कंपिटिटिव इनहिबिटर उसी को बोलते हैं। ऐसे इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट देखने में सबस्ट्रेट के जैसे ही हो, ठीक है, और उनके वजह से जो एंजाइम एक्टिविटी हो का क्या हो रही हो, बाधित हो रही हो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं कंपिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका बायोलॉजी का पेपर, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पेपर अच्छा किया होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।